एक महीने के रोजे रखने और रमजान माह को विदा करने के साथ ही सोमवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस महामारी में सभी मिष्ठान और लजीज व्यंजनों के ठिकाने बंद हैं। ऐसे में त्योहार पर मुंह मीठा कराने की परंपरा निभाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय संस्थान उदयपुर के संयुक्त प्रयासों से लगभग एक क्विंटल नुक्ति का प्रसाद बनाया गया है, जिसे 500 परिवारों में वितरित किया जाएगा। पारस चौराहे पर बने माकपा कार्यालय पर यह नुक्ति बनाई जा रही है, जिसमें 8 से 10 लोगों ने मिलकर 500 पैकेट तैयार किए हैं। ईद के त्योहार पर मुस्लिम भाइयों को मुंह मीठा कराना और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय संस्थान के संयुक्त प्रयास से यह कार्य किया गया है। राष्ट्रीय संस्थान उदयपुर के फाउंडर डायरेक्टर अयूब खान ने बताया कि ईद के त्योहार पर आसपास रहने वाले मुस्लिम भाइयों और गरीब परिवारों तक मुंह मीठा कराने के लिए करीब एक क्विंटल नुक्ति बनाई गई है और आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर इस नुक्ति को बनाया है और ईद के त्योहार पर इसे वितरित किया जाएगा। ईद का जो त्यौहार आ रहा है, ये मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही पाक महीना था और पाक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय संस्थान उदयपुर के संयुक्त प्रयास से हमने ये 500 लोगों को मिठाई वितरण के लिए ईद के पावन पर्व पे हमने ये नुक्ति का निर्माण किया है और कल हम ईद की नमाज के बाद में इसको सभी गरीब लोगों को, हमारे मुस्लिम भाई और हमारे जो दूसरे अन्य समाज के जो हमारे जो भाई हैं, मजदूर वर्ग के जो गरीब परिवार हैं, उन सबको हम नुक्ति का वितरण करेंगे। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि प्रेम शांति सद्भाव बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे और सभी त्यौहारों को सभी समाज के लोगों को मिल के मनाना चाहिए। इसके पीछे हमारा यही एक ध्येय रहा है और इसमें हमने ये लगभग एक क्विंटल सामग्री यूज़ की है और इसका जो वजन है वो लगभग 1.25 क्विंटल बैठेगा और 500 जनों को वितरित करने का हमने इसमें लक्ष्य रखा है। इसमें बनाने के लिए हमारा 7-8 लोगों का टीम लगा था, जिन लोगों ने बनाया, जैसे मांगीलाल जी है हमारे, पवन जी बेनीवाल हैं, आसिफ है, अरबाज है, कमाल खान है, नीमा है ना, और हमारे मनोवर चाचा हैं। इन 5-6 लोगों ने मिलकर इसमें बनाया है, लेकिन इसका जो स्पॉन्सरशिप है, जो ये हमने मैनेज किया है, वो हमारे राष्ट्रीय संस्थान और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से हमने किया है इसको।